ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతి మురుము మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు అలా చూద్దాం లేకిన్ పీచే వాలా ఆగే రహనే వాలా కే సాత్ कदम से कदम चलने के लिए वो भी भागने के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे अनुष्ठानों को जिन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं को आगे लाने के लिए सक्षम संस्था समिति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये वाला अनुष्ठान को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ बच्चे तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह के अनुष्ठान इसी तरह के कॉलेज खोलने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। यहाँ राज्य सरकार के मंत्री महोदया भी है, केंद्र सरकार के मंत्री भी है। मैं जरूर उनके थ्रू जरूर सरकार के पास जाएगा। वो भी चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहते हैं महिला पुरुष दोनों सशक्त हो। इसीलिए ये सबके साथ सबके विकास का जो नारा सभी नीचे रहने वाला भी और महिला पुरुष दोनों, मुझे लगता है अभी बहुत सारे महिला कॉलेज बहुत सारे कोच बहुत सारे लोग को एजुकेशन में पढ़ना शुरू किए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को एजुकेशन में अपने गर्ल चाइल्ड को कोई एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो भी बॉयज के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, कॉम्पीट करना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम मैं भी दम है, हम भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारे जब गवर्नर थी बहुत सारे कॉलेजेस जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी। अभी भी मुझे बहुत मौका मिलता है कन्वोकेशन में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। कभी कभी गोल्ड मेडल बॉयज से भी गर्ल्स ज़्यादा गोल्ड मेडल लेते हैं। ये जो प्रयास, ये जो जुनून आगे बढ़ने का है, जो जुनून होना चाहिए, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज का ये पेरेंट्स को। पेरेंट्स और भेदभाव नहीं करते, महिलाओं को भी आगे, बेटियों को भी आगे पढ़ाने के लिए जोर लगाते हैं क्योंकि बेटी समाज के जो व्यवस्था है ना, बेटियों को दूसरे जगह जाना पड़ता है। बेटी डॉक्टर पढ़े, इंजीनियर पढ़े, कंप्यूटर इंजीनियर पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन एक ना एक दिन उनको समाज के हिसाब से दूसरे फैमिली जाना पड़ता है। इसीलिए पेरेंट्स सोचते हैं उनको ज़्यादा सशक्त बनाना चाहिए। आज केवल सर्विस या नौकरी के लिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस सभी लोगों को दे नहीं सकते। मैं देखती हूँ कि यहाँ एंटरप्रेन्योर के लिए भी बहुत बच्चियाँ यहाँ कहते हैं कि मैं बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनूं। ये जो सोच बच्चियों में आना चाहिए। इसीलिए ये सोच समाज को आगे बढ़ाएगा। ये जो बिजनेस करना चाहते हैं वो केवल अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोग 100, 200, 1000, 2000, 5000 लोगों को वो जॉब दिला सकते हैं।